समागम एवं रेडीमेड गारमेंट्स की प्रदर्शनी का किया राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने उद्घाटन। नोएडा सेक्टर 62 स्थित एक्सपो सेंटर में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री उदय भान सिंह ने एक जिला एक उत्पादन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने लोगों को इस संबंध में जानकारी मुहैया कराई कि जनपद में किन किन चीजों का उत्पादन किया जा रहा है। उक्त प्रदर्शनी में ये सभी चीजें मौजूद थी। पिछले 20 वर्षों से इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, जिसमें मेंस वियर मेन है, जैसे ब्लेजर है, ट्राउजर है, आपका वेस्ट कोट है, शर्ट है, जो अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते थे। अब एक कंपनी है SK अपैरल, जिसमें वर्किंग कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों से, जो कि मेंस वियर में काम करती है, जो एक मीडियम वर्ग मध्यम वर्ग के परिवार के लिए गारमेंट डिजाइन करती है, वेस्ट कोट, ट्राउजर, ब्लेजर। जी, मैं आकाश चौहान, ये हमारी कंपनी है दीर्घायु। दीर्घायु से मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इसमें काम कर रहा हूँ। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो चावल, ये अपना जो है नीम का नीम जामुन करेला, ये अपना शुगर के बहुत लाभदायक है। इसको सेवन करने से शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और भी हमारे हैं, ये हमारा है डाइजो, ये गैस से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम पेट की हैं जो उससे संबंधित है, गैस वैस जो भी है वो इससे ठीक हो जाता है बिल्कुल थोड़े दिन सेवन करने से। और भी हमारे हैं, जैसे कि आप इस श्वासुदा, ये हमारा आता है खांसी के में, जैसे खांसी वांसी ज़्यादा हो रही है तो आप इसके सेवन से खांसी का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। ठीक है जी। हेलो, आई एम मधुर बंसल फ्रॉम एटॉन रूरल डेवलपमेंट। वी आर अ स्टार्टअप कंपनी बेस्ड इन नोएडा, इनक्यूबेटेड बाय IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क। सो बेसिकली वी हैव जस्ट नाउ प्रोड्यूस दिस पोर्टेबल सोलर जनरेटर। इट्स अ 500 वॉट मोबाइल सोलर बॉक्स, ऑल एवरीथिंग फिटेड, लाइक फ्रॉम सोलर पैनल्स टू इन्वर्टर, बैटरीज, ऑल द सॉकेट्स एंड एवरीथिंग इज फिटेड इन टू जस्ट अ 400 mm by 600 mm बॉक्स, विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू व्हील्स विद अ कोलेप्सिबल हैंडल एंड इट कैन ईजिली बी यू नो लिफ्ट अप, सिंस इट जस्ट वेस्ट 1/10 ऑफ द कन्वेंशनल सिस्टम। सिंस इट्स अ न्यू एंड यूनिक प्रोडक्ट, we are expecting a huge demand and we are having a wide variants of application. Currently we have been using to power the sprinkler systems for the micro irrigation purposes. We have some linkages with one of the NGO called Agaz, which is based in Delhi, and we have been working in the districts of Chamoli, which is in Uttarakhand, and the districts of Chhattisgarh, where we have been irrigating the farmlands with the sprinkler system using this our product.